जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के 5 सुप्रसिद्ध कथावाचकों के बारे में। इन सभी कथावाचकों के असली नाम, परिवार और इनकी इनकम के बारे में जानेंगे। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी कथावाचक को छोटा या बड़ा बताना नहीं है। वैसे तो सभी कथावाचक सनातन धर्म की बातें बताते हैं, साथ ही आधे से ज़्यादा पैसा, गरीबों को भोजन कराना, मंदिर का निर्माण करवाना, गरीब कन्याओं का विवाह आदि धार्मिक कार्यों में लगा देते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नंबर 5 पर आती है जया किशोरी। जया किशोरी जी का जन्म 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के एक छोटे से गाँव सुजानगढ़ में हुआ था। जया किशोरी जी को आज के युग की मीराबाई भी कहा जाता है। जया किशोरी जी एक कथावाचक होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जया जी के पिता का नाम शिव शंकर जी शर्मा व माता का नाम गीता देवी हैं और इनकी एक छोटी बहन है जिनका नाम चेतना शर्मा है। जया किशोरी जी वर्तमान में अपने परिवार के साथ कोलकाता में रहती हैं। आए दिन जया किशोरी की शादी की चर्चा सोशल मीडिया पर होती रहती है, लेकिन जया किशोरी जी अभी तक सिंगल है, उन्होंने शादी नहीं की है। बात करें इनके फैंस फॉलोइंग की तो इनका फर्स्ट यूट्यूब चैनल है IM जया किशोरी, जिस पर 2.16 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। साथ ही इनका एक सेकंड चैनल और है जया किशोरी मोटिवेशन के नेम से, जिस पर 1.02 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। नंबर 4 पर आते हैं देवकी नंदन जी ठाकुर। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का जन्म 12 सितंबर 1978 को कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के मांड क्षेत्र के ओहावा ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। देवकी नंदन जी ठाकुर कथावाचक, गायक एवं आध्यात्मिक गुरु हैं। इनके पिताजी का नाम राजीव शर्मा और माता का नाम अनुसुईया देवी हैं। इनकी माताएं ने बचपन से ही कृष्ण भक्ति तथा लोक कथाएँ सुनाया करते थे। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की पत्नी का नाम अंध माता है तथा इनके पुत्र का नाम देवांश है। देवकी नंदन जी महाराज ने मात्र 13 वर्षीय की आयु में श्रीमद् भगवद गीता को कंठस्थ कर लिया था। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज अपनी कथा के माध्यम से समाज में फैल रही व्याप्त बुराइयों को दूर करने का संदेश देते हैं। बात करें इनके फैंस फॉलोइंग की तो इनका यूट्यूब चैनल श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के नेम से है, जिस पर 4.53 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। नंबर 3 पर आते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। महाराज जी बचपन से ही नित्य गांव के श्री राधा कृष्ण मंदिर पर ठाकुर जी की सेवा करते थे। इन्हें बचपन में गाय चराना भी बहुत अधिक पसंद था। महाराज जी अपनी कथा के माध्यम से लोगों को अच्छी राह पर चलना सिखाते हैं। हमारे देश और समाज का विकास कैसे हो इसके बारे में भी महाराज जी अपनी कथा में बताते हैं। महाराज जी गरीब, असहाय व ज़रूरतमंदों के सहारा भी बने हुए हैं। महाराज जी ने असहाय वृद्ध माता पिताओं के लिए वृद्धाश्रम एवं गौ माता के लिए गौशाला का निर्माण किया है एवं निरंतर कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं। बात करें इनके फैंस फॉलोइंग की तो इनका यूट्यूब चैनल अनिरुद्धाचार्य जी के नेम से है, जिस पर 11.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। नंबर 2 पर आते हैं प्रदीप जी मिश्रा। सीहोर वाले महाराज के नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक एवं सनातन धर्म की अलग जगाने वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा का जन्म 1980 में सीहोर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी माता का नाम सीता जी मिश्रा एवं पिता का नाम स्वर्गीय पंडित रामेश्वर जी मिश्रा हैं। महाराज जी ने शिव पुराण कथा के माध्यम से सनातन धर्म में एक नई अलग जगाई है। महाराज जी अपनी कथा में कई सारी बीमारियों एवं परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। महाराज जी अपनी कमाई का आधे से ज़्यादा पैसा धार्मिक कार्यक्रमों में लगा देते हैं, साथ ही वे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिवपुराण कथा का लाइव प्रसारण आस्था चैनल पर किया जाता है। बात करें महाराज जी के फैंस फॉलोइंग की तो इनका यूट्यूब चैनल पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले के नेम से है, जिस पर 5.19 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। नंबर 1 पर आते हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। बाबा बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित घड़ा नामक ग्राम में हुआ था। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हनुमान जी के परम भक्त हैं। वे हनुमत कथा करने के साथ दिव्य दरबार भी लगाते हैं। दरबार में जिन लोगों की अर्जी लगती हैं उनके बारे में महाराज जी
पर्चे पर पहले से ही लिखकर बता देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी का नाम पंडित भगवान दास जी गर्ग हैं। एक समय इनके दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। महाराज जी भी अपनी कथा से कमाई हुई पैसा का उपयोग गायों की सेवा करना, मंदिर का निर्माण करना, गरीब कन्याओं का विवाह कराना आदि धार्मिक कार्यों में लगा देते हैं। बात करें महाराज जी के फैंस फॉलोइंग की, तो इनका यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम सरकार के नेम से है, जिस पर 5.77 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।